उत्तर प्रदेश में क्या बताना जी, बस ठीक है, योगी सरकार अच्छी है। काम करने में असफल है जी, वैसे ठीक है, काम करने में असफल है, असफल है भैया। सब फिर को परस्ती में बांट रखा है, यहाँ के जनता को हिंदू मुस्लिम मुसलमान में ला रखा, और किस तरह दूसरा कोई सा कुछ भी काम नहीं हुआ, बस यही हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। सर रोजगार बेरोजगारी बहुत हो गई है, मजदूर परेशान हो रहे हैं, हमारी फैक्ट्री को 2 साल हो गए बंद हुए, वे खोलने को तैयार नहीं है। 100 रुपये 1 रुपये का माल खरीद के और फ्री में दिया जा रहा है, तो महंगाई क्या है आप बताओ, महंगाई क्या है? कुछ भी नहीं आया, महंगाई है ही नहीं, बिल्कुल महंगाई बहुत हो रही है, आसमान छू रही है महंगाई में। 3,000 8,000 सैलरी मिली थी हमें, अब उसमें 3,000 दे रहे हैं, अब 3,000 में लगा लीजिए, इतनी महंगाई में क्या हो रहा हमारा भाई। यूपी गरीब आदमी को तो मुद्दा महंगाई का भैया, और गरीब आदमी को क्या लेना है सरकार से? मेरा राजनीति का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत के समय पे अगर पेट भर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। कभी नहीं हुई जितनी है हुई है, राजू के टाइम में नहीं, इधर के टाइम में नहीं। आपने महंगाई है और कोई मुद्दा है? मुद्दे बहुत सारे हैं, आप सुने तो हमारी बात, पहले भी सरकार आई थी, आने जाने की सड़कें अच्छी मिलती रहे हैं, और मैं आपको एक बता दूं, मेरे घर पर चलो मैं आपको पानी दिखाता हूं, अगर आप 1 बूंद पी के दिखा दोगे तो 1,00,000 रुपये दूंगा, 1 बूंद पे 1,00,000 रुपये, चैलेंज के साथ कहता हूँ। नहीं, महंगाई से बहुत असर पड़ता है, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि ऊंचे स्तर पर क्या हो रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम आपको लेकर के आए हैं मेरठ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये द्वार है, सुभाष चंद्र बोस द्वार है, मेरठ का ये घंटा घर है, और यह द्वार ऐतिहासिक है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी के जो जनसभाएं होती थी आज़ादी के लिए, वो यहाँ पर आयोजित होती थी, और यहाँ पर चूँकि ये मेरठ का बीचों बीच है, यहाँ से ही आपको पता है मेरठ में ही 1857 की जो क्रांति थी यहीं से शुरू हुई थी, और तमाम ऐतिहासिक चीज़ें हैं। फिलहाल हम जिस वजह से पहुँचे हैं वो आपको बता देते हैं, हम पहुँचे हुए हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की कवरेज के लिए, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है, उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है और उसके बारे में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, इन सब पर आइए बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। तमाम ई रिक्शा चालक यहाँ पे हैं, घंटाघर में आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसा होने वाला है इस बार का? उत्तर प्रदेश का चुनाव तो ये है भैया, सब फिर को परस्ती में बांट रखा है, यहाँ के जनता को हिंदू मुस्लिम मुसलमान में ला रखा, और किस तरह दूसरा कोई फायदा मिलेगा इसको बीजेपी सरकार को? पब्लिक वैसे बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, सब जाने कि क्या हो रहा क्या नहीं, वो तो क्या मुद्दा रहेगा इस पर? देखो इनका तो बीजेपी वालों का तो मुद्दा यही है, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके अलावा कोई इनका हाथ में नहीं। आप लोगों का क्या मुद्दा है? हम तो ये जा रहे हैं कि विकास हो हिंदुस्तान में, कोई धर्म के नाम पर कोई लड़ाई ना हो, राजनीति हो, हक की हो राजनीति, ये थोड़ी कि बेवकूफ़ी की राजनीति, विकास के मुद्दे, विकास होना चाहिए, पब्लिक कुछ आज क्या चाहिए, विकास तो लंबे लंबे ऐड के माध्यम से दिखा भाई। देखो विकास में क्या चाहिए, पानी बिजली यही तो चाहिए जनता को, शिक्षा और क्या चाहिए भाई, यही जनता के लिए बहुत कुछ है, और यही मिल नहीं रहा, ये कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में क्या बताना जी, बस ठीक है, योगी सरकार अच्छी है। काम करने में असफल है जी, वैसे ठीक है, काम करने में असफल है, असफल है, सड़कें वड़कें नहीं बनी हुई है, चेंज हो सकता है इस बार? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ जी, मेरठ के ही है। क्या लगता है चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं इस बार के? जी मुद्दे तो क्या नाम उसका, मुद्दे तो हिंदू मुस्लिम में होते हैं, जब भी होते हैं मुद्दे तो गरीब आदमी पिसता जाता है, नेत लोग तो अपने घर में बैठ रहते हैं, जो भी परेशानी होती है तो गरीब आदमी पे होती है, काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, नेता लोग तो कहते हैं कभी लॉकडाउन लगा दिया, कभी GST लगा दी, कभी कुछ हो गया, तो परेशान तो गरीब आदमी होता है, जो भी नेता लोग जो अपने घर बैठे हुए हैं। तो क्या मतलब इस बार जो बीजेपी सरकार है उन्होंने क्या किया 5 साल में? ये 5 साल में जो ज़्यादा बाईपास बनाते हैं, जो कभी गन्ना होता है, कभी कुछ होता है, ये होता है बस। नहीं, योगी सरकार ने क्या काम किया 5 साल? योगी सरकार ने ये अच्छे काम भी कराए, खैर बुरे भी कराए।
दोनों में ये दोनों काम करते हैं जी। अच्छे काम क्या किए? अच्छे काम जी ये बहुत करे हैं, आपको अब क्या बतावे आप। अच्छा, वोट किसको आप देना चाहते हैं जी? ये वोट इसको देगा हम जो काम अच्छा करेगा। क्या कहेंगे, क्या कुछ सरकार में पिछले 5 साल में हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ, बस यही हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और आपके अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश क्या आएगी? लेकिन वो ऐसी भाई जो आ रहे हैं वहाँ? नहीं, नहीं, वो तो बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी के एजेंट है, वोट काटने के लिए आते हैं कि देख लो, ऊंचे ऊंचे स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं, कुछ भी नहीं होता। राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि हाँ वो परेशान है, किसान भी परेशान है इस सरकार में, किसान भी वोट उसको करेंगे, अखिलेश को। अखिलेश को करेंगे जी। क्या मतलब पिछले 5 साल में कुछ विकास आपने देखा है योगी राज में? ये नेता लोग तो अपने ही विकास करते हैं, पब्लिक तो परेशान है, पब्लिक को तो कारोबार चाहिए, अपने बच्चे पालने हैं। दो दफे लॉकडाउन लग गया, पब्लिक क्या राजनीति करेगी? पब्लिक को तो विकास और कारोबार चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब कि इस बार जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 300 के पार इस बार भी सीटें हैं? इलेक्शन बहुत टफ है, बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन होगा और जो है ज़्यादातर अखिलेश की तरफ को ज़्यादा लोग हैं। पहले भी अच्छा काम किया उसने, अब भी उसके लिए सिर्फ विकास ही है। आप क्या कहेंगे सर? रोजगार, बेरोजगारी बहुत हो गई है, मजदूर परेशान हो रहे हैं। हमारी फैक्ट्री को 2 साल हो जाएंगे बंद हुए हुए, खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि वो रोजगार दे रहे हैं लोगों को। बहुत परेशान हो चुके हैं हम सर, रोजगार नहीं मिल रहा है। किस चीज़ का रोजगार नहीं मिल रहा? बाजू की फैक्ट्री में थे, उन्होंने कम कर दिया और कुछ आदमी काम भी कर रहे हैं, हमें मना कर दिया कि काम नहीं है इतना, जब होगा इस्तीफे मांग रहे हैं हमसे। हम चुनाव के बारे में जानना चाहते हैं, क्या माहौल है यहाँ पे? बीजेपी जिस तरीके से गवर्नमेंट है 5 साल से, कुछ क्या क्या कुछ किया? कुछ करा नहीं, बेरोजगारी कर दी और बेरोजगारी से थक चुके तबाह हो गए। अच्छा, 8,500 सैलरी मिली थी हमें, अब उसमें 3,000 दे रहे हैं। अब 3,000 में लगा लीजिए, इतनी महंगाई में क्या हो रहा हमारा, कैसे गुजारा कर रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं आप? बीजेपी आवेगी और कौन आवेगा? क्या मुद्दे हैं बीजेपी के लिए? सारे मुद्दे हैं, सब कुछ सही कर दिया। ये कहा जा रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, तो कुछ नहीं है। कौन सा हिंदू परेशान है, कौन मुसलमान परेशान है? लेकिन बयानबाजी इस तरीके से तो करती रहेगी जनता है, तो जनता को कौन कुछ कह सकता है क्या? योगी जी ने किया है, योगी जी ने बयानबाजी करते हैं ना, पिछली बार शमशान कब्रिस्तान किया था। अरे ऐसा कुछ नहीं है किसी का, जब भी बीजेपी आवेगी, कभी भी आवेगी बीजेपी आवेगी। क्यों आवेगी? एक तो कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई किसी का दी बेटी कोई कहीं घूमती तो बता रहे हैं। अभी अपराध तो उतना ही है अभी। कौन बोल रहा अपराध है? इतनी बेकार हो चुके, बहुत गड्ढे जहाँ को अपराध कम हो गया। अपराध नहीं, पहले सही था, इंदिरा के टाइम में बहुत सरकार बहुत बढ़िया चली, कोई प्रधानमंत्री 5 उंगली बराबर है क्या? एक सी उंगली होती तो फिर महंगाई क्या है? महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। अरे महंगाई क्या है, जब 1 रुपए का 100 रुपए 1 रुपए का माल खरीद के और फ्री में दिया जा रहा है तो महंगाई क्या है? आप बताओ महंगाई क्या है? में कह रहे थे पैसा आ जाएंगे, कुछ भी नहीं आया। महंगाई है ही नहीं बिल्कुल, महंगाई बहुत हो रही है, आसमान छू रही है महंगाई। महंगाई कैसे नहीं है, इनके कहने से कैसे नहीं है? मतलब कि जो तेल मिल रहा था वो डबल मिल रहा है। अरे 500 जी, ये मतलब कह रहे महंगाई नहीं है भाई, अपनी अपनी इच्छा की बात है, अपनी समझ की बात है। 400 रुपए का गैस 1,000 का रुपया हो गया, 70 रुपए का तेल 200 रुपए किलो हो गया है जी, पेट्रोल 65-70 रुपए से 100 रुपए कूद गया, डीजल कूद गया, बताइए फिर महंगाई कैसे नहीं है? 50 रुपए का अनाज आदमी को दे दिया, 50 रुपए का अनाज दे दो और 1 रुपए पे 60 रुपए टैक्स लगा दो पेट्रोल पे, ठीक है भैया? 130 करोड़ आदमी है और 200 करोड़ पर टैक्स जा रहा है डीजल का। एक घर में दो दो तीन तीन मोटरसाइकिल है, फिर कुछ लोगों को क्यों नहीं लगता कि महंगाई है? भाई अपनी अपनी समझ की बात है, सबके मिजाज अलग होते हैं भाई, भाई अपनी अपनी अलग सोच है आदमी की। अच्छा महंगाई, चलिए आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा, और क्या मुद्दे हैं यूपी के? भाई यूपी गरीब आदमी को तो मुद्दा महंगाई का भैया, और गरीब आदमी को क्या लेना है सरकार से भाई? सरकार से और क्या मिलना? जैसे अभी मोदी जी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, स्मार्टफोन बांटने की बात कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक मसले, गरीब आदमी को क्या मतलब इन चीजों से? भाई गरीब आदमी को इन चीजों से क्या मतलब है? क्या क्या खुल रहा है, क्या क्या बंद हो रहा,
गरीब आदमी को तो रोटी चाहिए पेट भर के। भाई गरीब आदमी को रोटी चाहिए पेट भर के। भाई गरीब आदमी को क्या पता क्या खुल रहा क्या बंद हो रहा। मुद्दे ये दिखाई दे रहे हैं कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा संकट के समय पे कोरोना काल में बहुत संभाला उन्होंने हम लोगों को, पत्रकारों को भी, आम जनता को भी। महंगाई सस्ताई से हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि है हर राजनीति में। हमें राजनीति का कार्य नहीं करना है, हम लोगों को एक समाज बढ़िया स्वच्छ बनाना है। तो उनके हर मुसीबत में उन्होंने साथ दिया है। आज भी गरीबों को, कोई ऐसा गरीब नहीं है जो भूखा मर रहा है इस टाइम। ठीक है, आप लोगों के मुद्दे जो है जैसे महंगाई होते हैं, आपको पता है? नहीं, एक्चुअली हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। एक मिनट, हमारा ये नहीं है। एक मिनट, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि विकास, विकास कहाँ नहीं है। विकास में भी तो आपने देखा है, इंडियन एक्सप्रेस में एक फोटो लगी फ्लाईओवर की, वो कोलकाता की दिखाई गई। तो विकास एक्चुअल में अगर हुआ होता तो यूपी की फोटो लगती ना। देखिए, कई मुद्दे ऐसे हैं जो मैं राजनीति के तौर से नहीं, मैं एनजीओ भी चला रही हूँ और अपना खुद सरह सेवा का उप संपादक हूँ। मेरा राजनीति का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस मुसीबत के समय पर अगर पेट भर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कुछ कहना चाहूँगा। हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो मुख्य तौर पर जो मुद्दे सामने आते हैं वो यही आते हैं, महंगाई को लेकर, कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है। इन तमाम मुद्दों पर लोग बातचीत करते हैं और लोगों का सीधा सरकार पर ये आरोप होता है कि ये सब सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। सरकार ने इतना ज़्यादा टैक्स इस पर बढ़ा दिया है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें महंगी हैं, और ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से अन्य चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है और अन्य चीज़ें भी ऑटोमेटिकली महंगी होती चली जाती हैं। मान लीजिए डीजल महंगा है, डीजल महंगी होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो ढुलाई वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो आम चीज़ें हैं, जो जरूरत की चीज़ें हैं, वो भी महंगी होती चली जाती हैं। लेकिन मैडम जी आपके साथ हैं क्या वो जो बोल रहे हैं? अलग अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन आपकी जो राय है, आपको लगता है कि महंगाई से असर पड़ता है, इनके लिए महंगाई जो है राजनीतिक मुद्दा हो जाता है? नहीं, महंगाई से बहुत असर पड़ता है क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि ऊंचे स्तर पर क्या हो रहा है, वो देखते हैं जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहा है। उन्हें उनकी जो जरूरत की चीज़ें हैं क्या वो उन्हें सुगमता से मिल रही हैं, क्या नौकरी उन्हें मिल रही है, क्या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। कम से कम ये एक मूलभूत आवश्यकता है जो लोगों को, हर व्यक्ति का अधिकार है, और वो सस्ती दरों पर उन्हें मिलनी चाहिए। महंगाई कभी नहीं हुई जितनी है हुई है राजू के टाइम में, नरेंद्र के टाइम में। बता दिया आपने महंगाई है, और कोई मुद्दा है? मुद्दे बहुत सारे हैं, आप सुने तो हमारी बात। पहले भी सरकार आई थी, ऐसी सरकार नहीं आई जैसी ये आई है, इससे बहुत परेशान हो गए। भैया इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, 3 महीने के अंदर 20% की हर आइटम में तेजी आई है। आटा हो, चीनी 35 रुपये किलो बिक रही थी, आज हम 40 रुपये लेके आए हैं, 5-5 रुपये किलो आटा बढ़ गया है। नेचुरल बात है, ये नहीं कि हम अपने आप से कह रहे हों। सब्जियां तो महंगाई हो गई है, दालें तो महंगाई हो गई है, चावल तो महंगा है, मतलब इंसान जाए तो जगह सिलेंडर 825 रुपये का हो गया है, वो भी पूरा नहीं मिलता, उसमें भी 3 किलो गैस कम आती है। कह कह के तोल तोल के थक गए हम, कोई सुनवाई नहीं है, हैं जहाँ। तो महंगाई एक मुद्दा है, और बाकी क्या मुद्दे हैं? योगी जी ने कुछ अच्छा काम किया? नहीं, योगी जी ने काम तो अच्छा किया होगा पर हमें तो कोई दिखाई देता नहीं। आई मस्ट टेक इन दिस योर साइड नथिंग एवरी डे, हम तो रोज देखते हैं पानी में से निकलते हुए। अपराध कम हुए हैं? हाँ, अपराध कम हुए हैं। कम कितने हुए? पहले भी लिस्ट उनके पास थी और आज भी वही लिस्ट है, उन्हें पकड़े जा रहे हैं। मेरी बात समझो, जो पहले लिस्ट थी वही पकड़े जा रहे हैं आज भी और कल भी। जो माफिया हैं बड़े उनके ऊपर तो हाथ डाल नहीं रहे, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, लोग कहते हैं विकास दुबे जैसे लोगों का अपराध। विकास अलग चीज है, अपराध अलग चीज है, महंगाई अलग चीज है। आज अमूल ने तो दूध बढ़ा दिया, 62 रुपये किलो दूध मिल रहा है, है? पूरे मेरठ में मैं चैलेंज से कहता हूँ पूरी इंडिया को, मोदी को, योगी को, आप मुझे 1 किलो घी पूरे मेरठ में प्योर ला के दिखा दें, देसी घी। चैलेंज देता हूँ मैं आपको, और आप महंगा नहीं हुआ इतना, आप घी चाहे आप ट्रक भर के ले लें पर प्योर नहीं मिल सकता है आपको। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो अभी जो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है अलीगढ़ में, स्मार्टफोन टैबलेट बटने की बात हो रही है, इन सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा तो उससे मतलब ही नहीं है,
हमें आ रहे स्मार्टफोन या यूनिवर्सिटी, मेरा इस उम्र में क्या काम? सिर्फ महंगाई से आपका मुद्दा? मेरा तो यह है कि मेरा परिवार पलता रहे, है मुझे आने जाने की सड़कें अच्छी मिलती रहे, हैं, और मैं आपको एक बता दूं, मेरे घर पर चलो मैं आपको पानी दिखाता हूँ, अगर आप एक बूंद पी के दिखा दोगे तो 1,00,000 रुपये दूंगा। नगर पालिका का वो पानी आ रहा है, अच्छा एक बूंद पे 1,00,000 रुपये, चैलेंज के साथ कहता हूँ। इस बार योगी नहीं तो कौन? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी, आप आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि बिजली और पानी। आप राजनीतिक देखिए, हमारी मजबूरियों को समझिए, राजनीतिक बातें मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ नहीं कि एक विकास का मॉडल होता है, नहीं, नहीं। जैसे एक बात होती है, चर्चा होती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोग कहते हैं दिल्ली तो यूपी में नहीं, नहीं दिल्ली और यूपी का बहुत फर्क डिफरेंस है। दिल्ली के अंदर तो कमा कमाया मिल गया उसको, काम ही नहीं करना पड़ता, सड़कें बनी हुई मिल गई है, पुल उसको बने हुए मिल गए, कौन सी उसने यमुना में सफाई कर दी? मेरी बात समझो, यूपी और दिल्ली को एक साथ मत जोड़िए आप, बहुत डिफरेंस है। यूपी यूपी है, दिल्ली दिल्ली है, हरियाणा हरियाणा। यहाँ पे धर्म का भी मुद्दा होता तभी बीजेपी उठाती है, आपको लगता है सर? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, ये तो हमारे अपने ऊपर है, मेरी बात समझो आप। हम धार्मिक फिर वो आप जो है राजनीतिक स्थिति पे मत जाइए, धर्म अपनी जगह है, जो हमें आजकल परेशानी है वो अपनी जगह है। क्या करना पड़ता है क्योंकि अब्बा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल योगी जी जब करते हैं मंच से, नहीं तो ये वो उनकी राजनीतिक बातें हैं, राशन मिलने के लेकर आप मेरी बात समझो, वो बातें उनकी राजनीतिक हैं, है उनके देश के विकास की बातें नहीं है ये। कभी उन्होंने आज तक 5 साल होने वाले, कभी मेरठ में आके देखा क्या हो रहा है, आते हैं हेलीकॉप्टर से आए और आके चले गए। कभी आज मैं फिर चैलेंज से कहता हूँ, मेरठ के MLA MP कभी मुझसे मिलने आए हैं? कभी MLA MP मेरे घर के आसपास कभी आए हैं, क्षेत्र में आए हैं? चाहे वो भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो। सही कह रहा आप, मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, हम तो सिर्फ बात सुन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो घंटाघर है और इस घंटाघर पे लोग हैं, घंटाघर पे लोग हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं। आपके लिए क्या महंगाई इशू है कोई? हाँ महंगाई तो है इस वक्त। क्या महंगा हो गया है? तेल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह सब। तब भी तो लोग चल ही रहे हैं, आप भी चल ही रहे हैं। चलने को तो चले गए, चलने को तो चले गई। यही तो बीजेपी कहती है कि लोगों के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। प्रभाव क्या, मजबूरी है, भूख लगेगी तो खाएगी भी, भूखे थोड़ी मर जाएंगे। अच्छा, खाना तो पड़ेगा। तो क्या लगता है कौन आएगा फिर, ऑप्शन विकल्प क्या है फिर? आप तो कह नहीं सकते इस वक्त कौन आएगा। अच्छा ओवैसी जी को कैसे देखते हैं आप? ओवैसी जी को कोई वो नहीं है, फोकस नहीं करता मैं उस पर किसी भी चीज़ पर, बस ये जो आए अच्छा है इस वक्त। अच्छा योगी जी के 5 साल में कुछ विकास आपको दिखता है? हाँ विकास तो हुआ। क्या विकास हुआ? सड़कें बन गई, हाईवे बन रहे खूब काफ़ी। तो ये काफ़ी नहीं है इस बार फिर से दोबारा चांस देने के? तो सारी खराब हुई है। अरे भैया कैमरे के आगे, महंगाई बर्बाद हो जाए, महंगाई कम हो जाए बस। मेरठ के घंटाघर में अभी आपने सुना लोगों को और देखा किस तरीके से लोग इन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या मुद्दे, सर इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम। फोरम में प्रभात से हमारा प्रश्न अभी जाता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।